बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 12 सितंबर 2022 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें, क्या हुआ आज, कैसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,862 की, तकरीबन 85 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। आप वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 66.4 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज अगर मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन आज जो है वो थोड़ा सा डल सेशन जो है वो आज देखने को नजर आया। ये आज के वॉल्यूम रीडर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले HBL, टोटल ट्रेडी कोई ETF है इसका, PTRG, WTL, इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड और के इलेक्ट्रिक जो है वो शामिल है। ये बोर्ड मीटिंग रिजल्ट की बात करते हैं तो आज के दिन जो है थल का रिजल्ट आया, 52.54 की अर्निंग है, 2.50 का डिविडेंड, और इसके अलावा रूपाली पॉलिस्टर 5 रुपये का डिविडेंड, 25 रुपये की तकरीबन अर्निंग है। WTL जो है 0.12 की फर्स्ट क्वार्टर की इसकी अर्निंग है। इसके अलावा जो है आज के इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के दिन 34 कंपनी पॉजिटिव, 54 नेगेटिव और 12 कंपनी जो है वो अनचेंज नजर आ रही है। अगर सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो तकरीबन मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। कमर्शियल बैंक, ITS, मार्केटिंग आज पॉजिटिव रही, और इसके अलावा सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइजर ओवरऑल जो है वो, और केमिकल्स वगैरह, फार्मा सेक्टर, फूड सेक्टर ओवरऑल नेगेटिव रहे। वॉल्यूम जो है तकरीबन एवरेज वॉल्यूम के राउंड अबाउट वॉल्यूम तकरीबन काफी मिलियन पर जो है वो चल रही है। ये आज के बुल्स एमबीएस की बात करते हैं और मिजान बैंक शामिल है, और बीयर्स की बात करते हैं तो FMC, दाऊद, हरक्यूज, PPL, ICI, नेशनल फूड और OGDC शामिल है। ये मार्केट मैप की बात करते हैं तो आज ये HBL का जो है वो ETF आज काफी इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ। इसके अलावा वॉल्यूम लीडर में TRG, WTL, स्टैंडर्ड, कैपिटल, चार्टर्ड बैंक, जी टैक, लॉट केमिकल, एसकोल, DSL, ये काफी जो है आज प्रोमिनेंट है 10% के साथ। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक हमें प्रोमिनेंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। TRG भी आज बेहतर रहा, दोस्ती लिमिटेड भी आज काफी बेहतर नजर आया। ICI जो है वो नीचे आया काफी। आज के दिन जो है अगर हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज बाइंग देखेगी 1.313 मिलियन डॉलर की बाइंग है, फॉरन की तरफ से, लोकल की तरफ से भी बाइंग है, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छी बाइंग की, कंपनीज ने अच्छी बाइंग की आज के दिन, और सेलिंग मेरे आज खासतौर पर इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ी बहुत बाइंग है, ब्रोकर फर्म की तरफ से थोड़ी बहुत सेलिंग है। इसके अलावा जो है आज के दिन कैंडल्स की बात करें हम लोग, कैंडल्स जो है आज के दिन अगर आज की कैंडल देखें तो छोटी सी डॉजी कैंडल ही नजर आ रही है, और पिछले तकरीबन 6 सितंबर से लेकर अभी तक 5 वर्किंग डेज में हमें छोटी छोटी स्मॉल डॉजी सी नजर आ रही है। ये जो इस बात का इंडिकेशन है फिलहाल मार्केट जो है थोड़ा सा रेस्टिंग जो है वो पीरियड में जा रही है, यानी मार्केट थोड़ा सा रेस्ट कर रही है और आप लोगों को थका रही है। ये मोटा मोटा जो है वो इसका मतलब होता है। अब जब तक जो है खास तौर पर ये दो लेवल है मार्केट के, इन दो लेवल से या तो मार्केट नीचे या ऊपर नहीं आती है। खासतौर पर अगर हम इसको यहाँ पर मैं इसको ड्रा करूँ लाइन की मदद से, और इसके अलावा एक लाइन हम इसके ऊपर करके ड्रा करें तो ये, तो तकरीबन जब तक मार्केट 43,797 से या तो ऊपर नहीं आ जाती या 39,759 से नीचे नहीं आ जाती, तब तक हम समझेंगे कि मार्केट जो है वो साइडवेज में ही फिलहाल मूव कर रही है। तो जब तक मार्केट इस जोन के अंदर ही रहेगी तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर मार्केट सिर्फ और सिर्फ लो वॉल्यूम के साथ है और आप लोगों को सिर्फ मार्केट थका रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। अगर आप रोज के रोज मार्केट के सामने बैठ जाएंगे, इसको देखते जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल जो है वो थक जाएंगे फिर मार्केट के साथ ही। तो बेहतर ये है कि इसको आप लोग फिलहाल टाइम पास करें और जो स्टॉक लिए हुए अच्छे अच्छे उनको होल्ड करके रखें। ये कुछ खबरें मेरे पास ऐसे फेडअप की जानिब से, अभी किसी ने शेयर किया मेरे साथ, एक मेंबर है जी, फेडअप की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और तकरीबी फाइनेंसिंग की रोकथाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अच्छी खबर है ये, फेडअप सेक्रेटरी ने पाकिस्तान की अपग्रेडिंग जारी कर दी, ये भी बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने चौथे मरले में 40 वर्षात पर अमल दरामद कर लिया, ये फेटअप की रिपोर्ट आई है। और इसके अलावा लास्ट खबर है कि फेटअप ने अगस्त तक की पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी कर दी, तो ये भी एक अच्छा साइन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हो सकता है कल के दिन इसका असर भी मार्केट पर जो है वो रहेगा। ये जी नेक्स्ट जो है कमरान साहब है दुबई से, आपने सवाल पूछा कि हमको का फ्यूचर, प्लीज एक्सप्लेन फ्यूचर हमको, दिस इज गुड कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट, वी कैन बाय। सर बिल्कुल हमको जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है हमको अभी बॉटम रेट पर मौजूद है, यहाँ पर बिल्कुल इसको लिया जा सकता है। और जब तक ये 60 डिविडेंड पर्पस के लिए रखे हैं या इसको अगर प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है तो प्रॉफिट टेकिंग लेवल कम अज कम 80 रुपए के करीब करीब है ये। जी इम्तियाज साहब रावलपिंडी से, आपने PPL के बारे में पूछा, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड,
अभी सर ट्रेड कर रहा है 66, मेरे हिसाब से ये भी काफी बॉटम रेट पर है। जब तक ये 70 रुपए से नीचे नीचे है तो जितना आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं इसको दिल खोल कर एक्युमुलेट करें, ये काफी अच्छे रेट पर है और इस रेट पर ये कभी कभी आता होता है। जी वो अल्लाह साहब है कराची से, आपने पूछा कि विच वन टू चूज फ्रॉम मिचल्स और नेशनल फूड। सर मिचल फ्रूट चूज कर लें, ये काफी बेहतर है। ये आरिफ साहब है कराची से, आपने पूछा कि शुड आई सेल ISL बिफोर एक्स रेट 60.85। जी सर इंटरनेशनल स्टील की बात करते हैं कि इंटरनेशनल स्टील फिलहाल करंट रेट इसका क्या जा रहा है। ये इंटरनेशनल स्टील ने शायद कोई डिविडेंड दिया हुआ है, जी 45% का डिविडेंड है, लेकिन आप इसको बेचे ना, यहाँ पर डिविडेंड आप इसका एंजॉय करें और जो ही उम्मीद है कि ये एक्स होगा तो साथ ही ये दोबारा बाउंस बैक हो जाएगा। ये मोस्टली होता ही है कि इस क्वार्टर के जो डिविडेंड वगैरह होते हैं वो एंजॉय करने चाहिए ये। जी इरफान साहब इस्लामाबाद से, आप कह रहे हैं कि सेलिंग ऑफ शेयर वॉल्यूम्स आर शोन इन रेड बट द सेम वॉल्यूम आर बीइंग परचेज बाय समवन, बट परचेजिंग ऑफ दिस वॉल्यूम आर नॉट शोन, प्लीज एक्सप्लेन सम टाइम दिस थिंग कंफ्यूजिंग मी। जी सर ये जो वॉल्यूम होते हैं ये कोई बाय भी कर रहा होता है सेल भी कर रहा होता है, अगर वो नेगेटिव में बंद होगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा ये, तो अगर ये पॉजिटिव क्लोज होगा तो पॉजिटिव यानी ग्रीन बन जाएगा वॉल्यूम, अगर नेगेटिव क्लोज होगा तो ये रेड बन जाएगा ये, इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं है। आमिर महमूद साहब कह रहे हैं कि इट सीम दैट बाइंग पेनी स्टॉक इज नॉट गुड स्ट्रेटजी बिकॉज दे ओनली मूव इन बुलिश मार्केट व्हाइल हाई वैल्यू स्टॉक कीप मूविंग इवन इन बियरिश मार्केट, योर एक्सपर्ट व्यू ऑन दिस सब्जेक्ट। जी सर इस तरह नहीं है कि अगर बुलिश मार्केट होगी तो पेनी स्टॉक चलेंगे, बात तो बात ये होता है ना कि वॉल्यूम जब तक मार्केट के अंदर नहीं आएगा, अब ये देखेंगे पूरे दिन में 66 मिलियन का काम है, 66 मिलियन वो वॉल्यूम है जो कम अज कम मेरे हिसाब से 2 घंटे के अंदर अंदर ये वॉल्यूम जनरेट होने चाहिए, यानी जैसे सुबह जब मार्केट खुलती है 9:30 बजे 11 बजे तक मार्केट को कम अज कम 66 वॉल्यूम क्रॉस करना चाहिए, और 12 बजे के बाद जो हाफ टाइम होता है उसके बाद कम अज कम मार्केट को 150-200 वॉल्यूम तक पहुंचना चाहिए, और फिर अगले आखिरी सेशन में मार्केट को 300-400 वॉल्यूम तक जो है 300-400 मिलियन का काम जो है वो मिलियन शेयर का काम इसको करना चाहिए ये। तो अभी सिर्फ 66 मिलियन का काम हम लोग देख रहे हैं KC 100 इंडेक्स में, जो कि इंतहाई जो है वो लो वॉल्यूम है ये। जब मार्केट का वॉल्यूम बेहतर हो जाएगा तो मार्केट बेयरिश हो या बुलिश हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पैनी स्टॉक चलते हुए नजर आएंगे। साथ पैनी स्टॉक जो होते हैं वो रोज रोज तो सर चलते कोई नहीं है, इनके दिन होते हैं खास, साल में कोई 2-4 दिन 5 दिन ये जब चलेंगे तो पूरे साल के पैसे आपको इकट्ठे करके देंगे ये। बाकी अगर आप समझ लें कि जो बड़े स्टॉक है वो चलते रहते हैं तो बड़े स्टॉक भी सारे सर बैठे हुए बड़े बड़े में एंग्रो FMC HPL MCB PPL OGDC कैपको एपको किस किस को मैं गिनाऊं बड़े बड़े स्टॉक को, ये कौन सा सरचार है, सारी तो नीचे बैठे हुए। IT की बात करें तो मोगाल इंटरनेशनल स्टील INIL उधर चले जाएं, ऑटो सेक्टर की बात करें तो गंदारा पाक सुजुकी मोटर होंडा कार इनका हाल देख लें, ये भी बड़े बड़े हैं लेकिन बिल्कुल नीचे बैठे हुए बॉटम रेट पर मौजूद है। सीमेंट में आप देख रहे हैं लक्की शक्की DGKC चिराग कोहाट की तरह बैठे हुए हैं, बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है ऑल टाइम लो पर, तो ओवरऑल पूरी मार्केट ही लो है, जब तक पूरे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक जो है फिलहाल ये डल पोजिशन रहेगी। फिलहाल मार्केट सिर्फ आपको थका रही है, हो सकता है 2-3 महीने मजीद मार्केट आपको यूं ही थकाती रहे, जब आप लोग सारे थक जाएंगे बिल्कुल मायूस हो जाएंगे मार्केट से तो फिर मार्केट प्रॉपर चलेगी, यही इसकी साइकोलॉजी जो है मार्केट की कहती है। आप ये देखे ना इंटरनेशनल स्टील मेरे सामने खुला हुआ है तो ये कब से साइडवेज में चल रहा है, ये पिछले साल दिसंबर से ये साइडवेज में चल रही है, ये साइडवेज मूवमेंट है, इसका सिर्फ हाई लगा हुआ है 73 और लो लगा हुआ है ऑलमोस्ट 52, तो 52 और 73 के दरमियान सिर्फ 10-12-12-15 रुपए के दरमियान ये स्टॉक जो है ये पिछले 8-9 महीने से ये घूम रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये आपको थका रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, और वॉल्यूम देखे नीचे कितने लो वॉल्यूम जो है इसके ट्रेड हो रहे हैं, जबकि असल वॉल्यूम इसके ये वाले बड़े बड़े वॉल्यूम थे ये, जब ये जून 2021 से पहले पहले के अच्छे वॉल्यूम इसके थे उसके बाद से तो बिल्कुल वॉल्यूम मार्केट के श्रिंक हुए हैं ये। आज ये शुएब अहमद साहब कह रहे हैं कि मिचल फ्रूट आप कह रहे हैं बाय करना चाहिए, बिल्कुल बाय करना चाहिए सर 100 रुपए से नीचे नीचे बिल्कुल बाइंग रेट पर, अभी तो काफी अट्रैक्टिव रेट पर है ये, और कह रहे हैं कि RUPL का एनालिसिस जो है आप बता देंगे, मिचल फ्रूट देखे 90 पर है ये तो ये आपको कब ये 90 पर मिलेगा, यही हालात है इन हालात में ले लें बाद में जो है ये अच्छा खासा बेहतर हो जाएगा ये। बाकी जो है RUPL का आपने पूछा, RUPL सर देखे फिलहाल चार्ट में तो ये मसलसल बुलिश हुआ है, ये मसलसल ये अप ट्रेंड में जा रही है और यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया था 22 रुपए का तब से जो है ये स्टॉक मसलसल जो है ये ऊपर की तरफ गामजन है, और यहाँ पर एक अच्छी इसकी ट्रेंड लाइन भी ड्रा हो सकती है, देखना इसी ट्रेंड लाइन के साथ ये स्टॉक चलता हुआ जा रही है,
ओ बिल्कुल, ये स्टॉक अगर आपने लेना है तो इसको लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस आप रख ले। अभी जैसे ये नीचे आया हुआ 42 रुपीज पर, स्टॉप लॉस आपका कम से कम जो है वो 36 रुपए के करीब होना चाहिए। और अभी अगर ये जैसे अभी रिसेंटली जो ही 45 से ऊपर ये ब्रेक हो जाता है, ये ऊपर निकल जाता है, फिर ये काफी और भी बुलिश हो जाएगा ये। जी उमर साहब, राहुल पिंडी से आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फ्रूट की ₹101 की बाइंग है, और एवीएन की। सर म्यूचुअल फ्रूट अगर पैसे हैं तो यहाँ पर होल्ड ले लें, ये काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ पर एवीएन आपने 76 का लिया हुआ है, बिल्कुल फिलहाल ये साइडवेज में चल रहा है। जिस टाइम ये ब्रेकआउट देगा अपना, तकरीबन इसका ब्रेकआउट है 90 रुपीज का राउंड अबाउट, तो ये काफी बुलिश हो जाएगा। तो बेहतर ये कि अगर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए 70 रुपए से नीचे, तो और ऐड करें इसके अंदर। इम्तियाज साहब पूछ रहे हैं BWCL आपने लिया हुआ है 135 का, और आप इसका टीपी पूछ रहे हैं। सर टीपी फिलहाल इसका मौजूद है 149 रुपीज के राउंड अबाउट, तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको होल्ड ही करके रखें। समी साहब है लाहौर से, आपने पूछा ANL में लास्ट हाफ आवर में जो है वह काफी ज्यादा बाइंग है, इसका बता दें बाय। आप देखिए हुआ 10.50, सर ये साइडवेज में चाह रहा है 13 दिसंबर 2021 से, और कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो 14.58 रुपए का है। तो बेहतर ये कि अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और ऐड करें इसके अंदर ये। जी अब्दुल बाजी साहब कह रहे हैं कि सर आपके रिकमेंडेशन स्टॉक जो नीचे आ रहे हैं उनको एवरेज किया जाए या फिर फ्रेश बाइंग। सर बिल्कुल हर वो स्टॉक जो मैंने बाई करवाया हुआ, अगर वो नीचे आ गया तो और ऐड करें इसके अंदर। TP1 TP2 वही आएंगे जो आपको टारगेट बताए हुए, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये टारगेट को हिट करते जाएंगे। तो जो जो आते जाए वहां पर आप टारगेट पर जो है वो वहां पर जो है आप क्या करें, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। बिलास साहब हरिपुर से आपने पूछा हुआ है कि AVN आपने बाई किया हुआ, TP लावा सर इसका 9 रुपया कम से कम, और अगर ब्रेकआउट दे देता तो और ऐड करें फिर। और चिराज सीमेंट का आपने पूछा कि रिव्यू जो है वो दे दे चिराज सीमेंट, और आपने कुछ WTL की भी कोई रिपोर्ट शेयर की कि वर्ल्ड कॉल टू डिले द प्रेफरेंस शेयर। जी सर ये रिपोर्ट भी पूरी पढ़नी पड़ेगी, और आज जो है अभी इसका रिजल्ट आया WTL का, वो काफी अट्रैक्टिव है ये। चिराग सीमेंट सर अभी देखे ना रिसेंटली से 75 का बॉटम लगाया था, और आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जारी है, 108 का भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। अगर आपने लेना है तो यहाँ पर इसको ले रहे हैं, ये काफी अट्रैक्टिव रेट पर है, स्टॉप लॉस रखे। अगर लगाना चाहे ना भी लगाएं स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, 102 का स्टॉप लॉस रखे, और इसका टारगेट जो है वो तक कम अज़ कम जो है वो 150 रुपये के करीब करीब जो है वो नजर आ रहा है। जी अजीज साहब अटक से आपने गेटअप के बारे में आप पूछा हुआ है कि इसको आप होल्ड करना चाह रहे हैं या लिया हुआ, अपने होल्डिंग पीरियड बता दें। सर होल्डिंग पीरियड का आप इलाज जब तक मुल्क हालात बेहतर नहीं होते, तो गेटअप अगर पैसे हैं तो यहाँ पर ओल्ड है ये 30-32 रुपए के करीब, बहुत अट्रैक्टिव है गुल अहमद, और कम से कम भी जो इसका टारगेट है वो 45 रुपए से ऊपर ऊपर है, और ये बहुत अच्छी कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर की ये। जी बिलाल साहब मुल्तान से आपने एवीएन का बाइंग जोन पूछा है, एवीएन सर अभी बाइंग जोन में घूम रहा है, जब तक 80 रुपए से नीचे नीचे है ये काफी अट्रैक्टिव है, अगर 70 रुपए से भी नीचे आए और ऐड करें, और कम से कम प्रॉफिट टेकिंग जो है वो 90 रुपीज का ही है। जी कलीम साहब है आप कह रहे हैं कि आपने पूछा कि ये तो चार्ट शेयर किए हैं अर्निंग के बारे में, सर ये जो 2021 और 2022 ये जो आपने चार्ट भेजा हुआ है ये इसकी प्रॉपर अर्निंग है, और इसकी बेस पर आगे टेंटेटिव जो है वो अर्निंग बताई होती है कि आगे क्या इसकी प्रिडिक्शन हो सकती है अर्निंग की। तो वो जो आपने टेंटेटिव अर्निंग मेरे साथ शेयर की वो नहीं देखने वाली होती है, जो इससे पहले 2021 या 2022 की जो आपने 20 की अर्निंग पूछी हुई है वही इसकी प्रॉपर EPS होती है। और इसके अलावा अगर आपने EPS देखनी है तो प्रॉपर आप वेबसाइट पर चले जाएं, PSX डाटा पोर्टल पर, वहां पर प्रॉपर इनकी अर्निंग जो है वो बताई होती है EPS, या SCSTrade.com वेबसाइट है वहां पर चले जाएं, उन्होंने भी सही अर्निंग जो है वो बताई होती है। जी नईम साहब बहरेन से आपने पूछा NRL आपने 150 का बाई किया हुआ है, 150% डिविडेंड, एक्स डेट विल बी 10-10, व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी। सर बिल्कुल डिविडेंड इसका एंजॉय करें, ये मौसम होता है, इस मौसम में आप डिविडेंड एंजॉय कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जो है ये फिर दोबारा भी रिकवर हो जाएगा ये। बाकी आपने सरल लिया हुआ है 127 का, तो 127 जो है ये काफी अच्छे रेट पर लिया हुआ है, फिलहाल थोड़ा सा नीचे है सरल, अगर पैसे हैं तो 100 रुपये से नीचे आता है तो और ऐड करें इसके अंदर ये। जी गुरेज साहब से अलकोट से आपने पूछा हुआ है आप ऐड करना चाह रहे हैं ANL अटक रिफाइनरी WTL। जी सर बिल्कुल ANL और WTL के अंदर बिल्कुल ऐड करना, बंदा 1.20 से नीचे नीचे आ रहा है तो उसको ऐड करें, और अटक रिफाइनरी थोड़ा सा नीचे आने दें, 140 से नीचे नीचे आ जाए तो अटक रिफाइनरी के अंदर भी जो है आप ऐड करेंगे। जहाँ तक WTL के बारे में आपने पूछा, WTL आज काफी अट्रैक्टिव रेट पर आया, 1.20 1.17 का इसने पीछे लो लगाया हुआ था, तो यहाँ तक अगर ये आता है तो यहाँ पर आप मजीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और जो है ये काफी अट्रैक्टिव भी है WTL ये।
आज ही कामराज सब राहुल पिंडी से आपने पूछा कि रिव्यू कौसम दे आर प्लानिंग और राइट इशू। सर कौसम जो है अगर ये 3 रुपए से नीचे आपको मिलता है तो ये काफी अट्रैक्टिव है। ये अभी 3 रुपए 23 पैसे पर है। अगर ये राइट देने के बाद 2.5 पेपर 2 पेपर आ जाता है तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं। ये जी जमीलो रहमान साहब है कहना ही एड इन टीजीआर और रोल और एड आफ्टर क्लोजिंग। जी सर अगर आपने टीपी बंद कर लिया प्रॉफिट टेकिंग बंद करने के बाद जब ये नीचे आ जाता है तो दोबारा अगर वो बाइंग जोन में आ रहा है तो दोबारा आप इसको बाय कर सकते हैं। ये काफी अट्रैक्टिव रेट अगर ये 130 से नीचे आपको मिलता है तो लिया जा सकता है। और ये बिल्कुल बुलिश हुआ हुआ है ये स्टॉक। यहाँ से इसने चलना शुरू किया था 3200 रुपये से और आप 130 रुपये पर चल गया और मुसलसल ये स्टॉक ऊपर ही जा रही है। जी तो तकरीबन जी इसके बाद अदनान साहब पिशावर से आपने पूछा कि पिक्चर फ्रूट अगैर 300 पर जा सकता है और WDR के बारे में क्या कहेंगे। WDR सर बता चुका हूँ WDR लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक बहुत अच्छा है और पिक्चर फ्रूट जो है इसके बारे में भी हम काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। इंशाल्लाह WDR और म्यूचुअल फंड दोनों जो है जो रेट आपको बताए हुए इंशाल्लाह ये स्टॉक अपने रेट पर जो है वो जरूर पहुंचेंगे। ये ओवरऑल जो है मार्केट सिर्फ डल है और कुछ भी नहीं। मार्केट के अंदर वॉल्यूम ओवरऑल लो है और वॉल्यूम कब तक लो रहेंगे। बड़े प्लेयर ने यही से कमाना है और यही से उसने अपनी प्रॉपर्टियां और अपनी जायदाद बनानी है तो आज नहीं तो कल उसने अपना पैसा मार्केट में जरूर लगाएगा। सिर्फ वक्ती तौर पर आपको मार्केट ने जो है वो या बड़े प्लेयर ने पैनिक किया हुआ है तो यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर वो स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट वाला अच्छे रेट पर आपने लिया हुआ है तो उसको होल्ड करके रखें। थोड़ा टाइम आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है आपके मुल्क के हालात क्या चल रही है। तो इंशाल्लाह आने वाले महीनों में जो ये फेटअप की भी अच्छी खबर जैसे आज आ गई अच्छी खबर मजीद अगर अच्छी खबरें आती हैं और खासतौर पर ये जो सैलाब मुतासरीन के रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है और इसके अलावा जो आगे पीछे से जो पैसों मिलने की जो उम्मीद है खासतौर पर कतर वगैरह से सऊदी अरेबिया से तो वो भी अगर आपके अकाउंट में आ जाते हैं और आपका खास तौर पर जो स्टेट बैंक के रिजर्व है मोर देन $30 बिलियन से क्रॉस कर जाते हैं तो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा हमारा जो है वो इकोनॉमिक पोजिशन और खासतौर पर हमारी स्टॉक मार्केट भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।